प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का नुकसान किया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेठी और सुल्तानपुर में लोग तो जानते ही हैं कि परिवारवादियों की दिक्कत रही है कि यह लोग जमीनी हकीकत से इतने दूर हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई ही नहीं देता। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों से जुड़े नेता केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर हैं। आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अनीस खान की मौत पर विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में किसी को भी अशांति पैदा करने नहीं देंगी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, जो लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं वे अपराध कर रहे हैं। मैंने पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा है। आप सीबीआई के नाम पर राज्य पुलिस का अपमान नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बलों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौट गया। शुरुआती जानकारी में यह ड्रोन पाकिस्तानी बताया जा रहा है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के आरएसपुरा अरनिया सेक्टर के पास ड्रोन की आवाजाही देखी गई। बीएसएफ द्वारा 10 से 20 राउंड फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौट गया। इस बाबत पर एक तलाशी अभियान भी चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ जया बच्चन को बीएमसी नोटिस मामले में राहत दी है। हाईकोर्ट ने बीएमसी आयुक्त को बच्चन दंपति की अर्जी पर सुनवाई करने और 1.5 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने बच्चन के जुहू स्थित बंगले के एक हिस्से के अधिग्रहण को लेकर 2017 में नोटिस जारी किया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। नए केस 15,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 14,148 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 30,009 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 302 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 43,02,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 59 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.63 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ये तो पहले से ही साफ था कि जंग छिड़ने पर यूक्रेन के साथ अमेरिका और बाकी नाटो देश होंगे, तो रूस के साथ चीन खड़ा होगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 फरवरी को चीन गए थे। इसके बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। इस बयान में चीन ने भी नाटो के विस्तार पर आपत्ति जताई थी। एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने की कीमतें बढ़कर 2022 के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार के दौरान सोने में लगभग 1400 रुपए का तगड़ा उछाल दर्ज किया गया और यह 51,750 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। रूस यूक्रेन युद्ध से शेयर बाजार धराशायी हो गया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2700 पॉइंट गिरकर 54,529 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 815 पॉइंट टूट गई, ये 16,247 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की ये अब तक की चौथी बड़ी गिरावट है, वहीं 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है।